हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रीड ओनली मेमोरी की। पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम लोगों ने क्या देखा था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, कि सिंपली वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें कि जब तक पावर ऑन रहेगा सिस्टम का, तब तक वो डाटा रहेगा और उसके बाद इरेज हो जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीड ऑनली मेमोरी के बारे में। रीड ऑनली मेमोरी में क्या होता है कि रीड ऑनली मेमोरी में ये पावर का ये स्थिति नहीं रहती है, ROM, इसको हम बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं रॉम। रीड ऑनली मेमोरी में क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि इनकी जो डिज़ाइन होती है वो लगभग आपकी जो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, स्टैटिक या डायनेमिक रैम की, स्टैटिक या डायनेमिक रैम की तरह ही होती है, डायनेमिक रैम की तरह ही होती है। एक्सेप्ट इसके अंदर क्या होता है कि लैचिंग मैकेनिज्म होती है, LATCH, लैचिंग मैकेनिज्म। ठीक है, लैचिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये वन टाइम लिमिटेड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यानी पहला तो डिफरेंस ये हो गया कि रॉम में लैचिंग मैकेनिज्म होती है। ठीक, दूसरा क्या है कि अगर हम बोले कि अच्छा भाई रॉम का एकदम बेसिक या एकदम सिंपलेस्ट रॉम हमें बताइए, सिंपल रॉम, तो आप सिंपली आप कह सकते हैं कि एक जो फ्यूज होता है, टीनी फ्यूज, वो भी रॉम की तरह ही काम करता है। ठीक है, कैसे, कि क्योंकि भाई फ्यूज जो होता है उसमें क्या होता है, केवल दो ही स्टेट तो होती है ना। अगर फ्यूज सही है तो मान लीजिए वन स्टेट है, और अगर फ्यूज जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लहजे में उड़ गया, या फ्यूज फूक गया, या ब्रेक डाउन हो गया, या ब्रोकन हो गया, ठीक है, या जल गया, तो वो स्टेट हो गई जीरो। तो यानी एक तरह से फ्यूज भी एक सिंपल रॉम का काम करता है, जिसमें एक स्टेट होती है जब वो काम कर रहा है मतलब वन, और एक स्टेट होती है जब वो जल गया या फूक गया या फ्यूज हो गया, वो स्टेट होती है जीरो। तो ये तो हो गया सिंपलेस्ट रॉम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि भाई कोई भी रॉम है आपका, उसको हमने क्या बोला है कि रीड ऑनली मेमोरी, मतलब इसमें जो लिखा है या इसमें जो स्टोर है उसको केवल हम रीड कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से इसमें नहीं लिख सकते। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर एक नई तरह की रॉम यूज की जाने लगी, दैट इज कॉल्ड PROM, प्रॉम। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे ये मैं आपको बता दूं, नहीं आप फिर कंफ्यूज हो। देखिए एक तो हो गया रॉम, ठीक, सेकेंडली हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ई प्रॉम की। ठीक है, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ई प्रॉम की। तो आज ये चार तरह की रॉम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 2 3 4। ठीक, तो हाँ यहाँ पे आ जाइए, रॉम में क्या था कि जो कुछ भी स्टोर था हम केवल उसको रीड कर सकते थे, अपनी तरफ से हम उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते थे। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर इस्तेमाल किया, डेवलपमेंट में आया प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब इसका मतलब समझिए, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो देखिए प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है कि इस रॉम को हम अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको प्रोग्राम कर सकते थे। प्रोग्राम करने का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको इंस्ट्रक्शन
इसके अंदर स्टोर कर देते थे, कमांड इसके अंदर स्टोर कर देते थे। तो इस तरह के रॉम को प्रॉम कहा गया, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक, अच्छा ये हो गया आपका प्रॉम। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मान लीजिए चलिए हमने उस पर एक बार राइट कर दिया, प्रोग्राम कर दिया उस रॉम को, ठीक है, उस प्रॉम को हमने प्रोग्राम कर दिया। ठीक, अब वो यूज करने लगे हम, आफ्टर सम टाइम इट वॉज फेल्ट, ये लगा हमें कि भाई प्रोग्राम में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। देखिए प्रोग्राम क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, आगे जब आएगा जब प्रोग्राम पढ़ाएंगे आपको तो हम आपको क्लियर करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए सिंपल लहजे में, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि कंप्यूटर से हमें क्या काम कराना है, और आसानी से और सिंपल लैंग्वेज में हम आपको लिख दें सेट ऑफ कमांड्स कि कंप्यूटर से हमें जो जो काम कराने हैं उसको, उन लाइनों को हम अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिख देते हैं वो कहलाता है प्रोग्राम। ठीक, तो मान लीजिए हमने ये प्रोग्राम बना के स्टोर कर दिया प्रॉम में और वो हम यूज करने लगे। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम हमें ये लगा कि भाई प्रोग्राम में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो जब प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं इसका मतलब कि हमको फिर से प्रोग्राम को कुछ लाइनें चेंज करके कुछ लाइनें कम करनी है, कुछ लाइनें बढ़ानी है, यानी हमें रीड भी करना है और राइट भी करना और मिटाना भी है, समझ रहे हैं आप। तो फिर इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, ये पर्पस को फुलफिल करने के लिए फिर इलेक्ट्रिक का इरेजिबल प्रॉम, ई पी आर ओ एम, इसको बोलते हैं इरेजिबल, मतलब मिटाने योग्य, इरेजिबल। और बाकी आपको पता है प्रोग्रामेबल और रीड ऑनली मेमोरी। ठीक, तो इरेजिबल इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्रॉम, ये हमारा प्रॉम है, ये हम आपको सिंपल समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये प्रॉम है, इसके अंदर कुछ लाइनें हमने लिखी थी प्रोग्रामिंग में अपने, फिर हमने हम जब उसको यूज किए तो हमें ये लगा कि भाई सपोज कीजिए ये लाइन हमने लिखी थी, अब जब हमने यूज किया तो हमें लगा कि भाई इस लाइन की और इस लाइन की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब इनको इरेज करना है और एक नई लाइन हमको ऐड करनी है, समझ रहे हैं। तो इसको इरेज करने के लिए, यानी ये काम आप प्रॉम्प्ट में नहीं कर पाएंगे, इस ये काम करने के लिए आपको ई प्रॉम इस्तेमाल करना पड़ेगा, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जिसमें हम इरेज भी कर सके हटा भी सके इन लाइनों को, समझ रहे हैं आप बात को, कि हमने जैसे ये लाइन हटा दी ये हमें नहीं चाहिए, ये लाइन हटा दी हमें ये नहीं चाहिए, और एज वेल एज हम कुछ ये जो नई लाइन हमको लिखनी थी उसको हम यहां लिख भी सके। तो ये काम कहां पे होता है, ये काम कर सकते हैं आप ई प्रॉम में। ठीक, ये ई प्रॉम क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि एक और स्पेशल तरह का इरेजिबल प्रोग्रामेबल, लेकिन हम डाटा को कैसे इरेज कर सकते हैं, तो हम डाटा को इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली, समझ रहे हैं। तो इसीलिए एक इसके बाद एक नए तरह का प्रॉम यूज किया जाने लगेगा, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल, इरेजिबल, और बाकी आपका वही प्रोग्रामेबल रीड ऑनली, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अभी जो हमने जो आपको डिलीट करके दिखाया था, तो इसमें जो डाटा जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर है किसमें, प्रॉम में, उसको हम इरेज करते हैं किससे, इलेक्ट्रिकल पल्सेस से, यानी आप आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से। तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस से हम चूंकि डाटा को इरेज करते हैं,
इसलिए ये कहलाते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये चार पांच तरह के जो अभी आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि रॉम हो गया, फिर प्रॉम हो गया, फिर ई प्रॉम हो गया। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती गई वैसे वैसे डेवलपमेंट होते गए और डिफरेंट तरह की रॉम यूज इस्तेमाल करने लगे। ई प्रॉम हो गया और उसके बाद ई प्रॉम हो गया, ठीक है। तो इतने तरह की रॉम इस्तेमाल की जाती है डाटा को रीड और राइट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी की पूरी समरी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट है, सजेशन है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो प्लीज़ उसको कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, ताकि जो है मैं उस पर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दूँ या सेपरेट वीडियो बना सकूँ, ठीक है। थैंक यू।